पीएम आवास में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम अहम बैठक। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट विस्तार से पहले कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण भी होंगे मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल भी होंगे शामिल। कैबिनेट में बड़े बदलाव संभव। 7 जुलाई को सुबह 11 बजे हो सकता है कैबिनेट विस्तार। 20 से 22 सांसद ले सकते हैं शपथ। आगामी चुनाव के मद्देनजर यूपी से कई बड़े चेहरे को मिल सकती है जगह। 2 सप्ताह पहले सभी मंत्रियों के मंत्रालयों के कामकाज की पीएम ने की थी समीक्षा। गृह मंत्रालय में आज शाम 5 बजे हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर होगी चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ गृह सचिव एनएसए अजीत डोभाल और आईबी प्रमुख रहेंगे मौजूद। एयरपोर्ट स्टेशन ब्लास्ट समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। श्रीनगर में आज कश्मीर के परिसीमन आयोग की टीम ऑल पार्टी मीटिंग करेगी। परिसीमन के मुद्दे पर सभी दलों से होगी चर्चा। आयोग जम्मू कश्मीर के सभी राष्ट्रीय क्षेत्र दलों के साथ अलग अलग बैठक करेगा। गुपकार अलायंस की तरफ से अभी कोई संयुक्त निर्णय नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ओवैसी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमारी कोशिश बीजेपी को सत्ता से हटाना। ओवैसी बोले, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को हराने की हमारी पूरी कोशिश होगी। कांग्रेस नेता शहनवाज आलम का एसपी और बीजेपी पर हमला। कहा, जाट समुदाय को उकसाना चाहती है बीजेपी। एसपी और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। शहनवाज आलम ने कहा कि अब वो आज भी बताएं, मुजफ्फरनगर कांड के वक्त अखिलेश जी का सलमान खान का डांस देखना उचित था। जी हिंदुस्तान की खबर का असर। स्वतंत्र देव सिंह बोले, जाट समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं। सरहद से लेकर स्पोर्ट्स तक जाट समुदाय का योगदान। स्वतंत्र देव ने हिंदुस्तान का वीडियो किया ट्वीट। अबू आजमी के विवादित बयान वाला वीडियो किया शेयर। अबू आजमी ने जाट पर दिया था विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय का एसपी नेता अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा। जाटों पर दिए विवादित बयान से गुस्साए लोगों ने फूंका आजमी का पुतला। 15 अगस्त के बाद यूपी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बीजेपी सांसद रवि किशन की ओवैसी को चुनौती। कहा, दम है तो महाराज जी को छूकर दिखाओ। योगी जी को छूओगे तो हैदराबाद उड़ जाओगे। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव को चढ़ाया। सीएम योगी ने विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लिया जायजा। बैठक कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दिल्ली एनसीआर में सोमवार रात को महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झरझर रहा। भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। ये भूकंप रात 10:36 पर आया। हरियाणा के झज्जर में इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। दिल्ली बार काउंसिल ने वकील इकबाल मलिक का लाइसेंस किया रद्द। इकबाल ने धर्म परिवर्तन और मुस्लिम विवाह के लिए किया था अपने चैंबर का इस्तेमाल। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक मामले में बयान जारी कर कहा, इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह से लज्जाजनक और कानूनी पेशे की गरिमा को नकारती है। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सीएम अमरिंदर आज दोपहर 2 बजे के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस में घमासान खत्म करने पर होगी चर्चा। अनिल देशमुख के पीए को आज ईडी कोर्ट में करेगी पेश। ईडी देशमुख के पीए की कस्टडी की मांग करेगी। अनिल देशमुख के बड़े बेटे ऋषिकेश देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख के बड़े बेटे से होगी पूछताछ। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की याचिका पर आज दोपहर होगी सुनवाई। सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। ट्विटर की मनमानी पर केंद्र सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा। कहा, कानून की अनदेखी कर ट्विटर ने खोया सरकार का भरोसा। चित्रकूट में तय होगी यूपी की सियासत। 7 दिन के चित्रकूट दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बीजेपी की जीत का बनेगा मास्टर प्लान। मोहन भागवत 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्य धाम में होने वाली है बैठक। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना की वैक्सीन 8 गुना कम असरदार। दिल्ली के अस्पताल के स्टडी में ये दावा किया गया। स्टडी के मुताबिक दोनों डोज ले चुके हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने के पीछे की वजह डेल्टा वेरिएंट ही था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल सहित भारत में 3 केंद्रों पर 100 से अधिक हेल्थ वर्कर्स पर स्टडी की गई है। स्टडी में कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक भी शामिल थे। अगस्त के दूसरे हफ्ते में तीसरी लहर के शुरू होने की आशंका। कोरोना की तीसरी लहर पर SBI ने जारी किया रिपोर्ट।
SBI की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में होगी तीसरी लहर पीक पर, दूसरी लहर से दो गुना होगा तीसरी लहर का असर। भीड़ के बाद एक महीने से भी कम समय में करीब 7 लाख सैलानी हिमाचल पहुंचे, मैदानों में गर्मी और मॉनसून में देरी के चलते बढ़ा आंकड़ा। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने किया पहाड़ों का रुख, शिमला में सैलानियों की बढ़ती आवक से लगा जाम, रेंग रेंग कर चल रही है गाड़ियां। 7 जुलाई को होगी गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक, बैठक में लिए जाएंगे नीतिगत निर्णय, मॉनसून सत्र के मद्देनजर अहम मानी जा रही है मीटिंग। इंदौर में 2,44,00,000 रुपए का 5 किलो सोना जब्त किया गया है, 3 आरोपियों को मांगलिया में गिरफ्तार किया गया, मुंबई से आरोपियों का पीछा कर रही थी डीआरए की टीम। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से गैंग रेप, 3 दरिंदों पर 16 साल के नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया है, महिला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। झारखंड के कोडरमा में एम्बुलेंस के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, मरीजों की जगह ढोया जा रहा सीमेंट, चिकित्सा पदाधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। राजस्थान के दौसा में रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन की पिटाई, महिला सहित कुछ युवकों ने जमकर की धुनाई, शराब के नशे में 2 घंटे तक फाटक बंद रखने का आरोप। राजस्थान के अलवर में बदमाशों का आतंक, घर में घुसकर युवक पर किया जानलेवा हमला, बाइक पर सवार होकर आए थे 12 बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुजरात के अमरेली में शेर दिखने से हड़कंप, शहर में दिखा शेर का परिवार, सड़क पर घूमते दिखे 5 शेर। तालिबान के खौफ से 1,000 अफगान सैनिक तजाकिस्तान भागने पर हुए मजबूर, कंधार पर कब्जे की फिराक में तालिबानी आतंकी। पाकिस्तानी आतंक भी तालिबान के साथ शामिल, अफगानिस्तान एनएसए बोले हम जल्द लेंगे बड़ा एक्शन, तालिबान के कब्जे वाले इलाके को छुड़ाने की तैयारी। चीन के राष्ट्रपति आज नेपाली टॉप लीडरशिप के साथ वर्चुअल करेंगे मीटिंग, जिनपिंग का मकसद नेपाली लीडर्स को चीन के फेवर में लाना है। इंडोनेशिया में बाइकर्स का एक ग्रुप एम्बुलेंस को रास्ता देने में कर रहा है मदद, कोरोना काल में मरीजों को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने में हो रही है आसानी। जापान में हुए लैंडस्लाइड की नई तस्वीरें आई हैं सामने, अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को किया गया है रेस्क्यू, लैंडस्लाइड में 80 से ज्यादा लोग अब भी लापता।